नमस्कार, खम्मागणी के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में कल विश्व पर्यटन दिवस पर स्मारकों और संग्रहालयों में फ्री एंट्री, जयपुर में होगी हेरिटेज वॉक। महिला आरक्षण बिल पर अलका लांबा ने केंद्र को घेरा, कहा आधी आबादी खुद को ठगा सा महसूस कर रही। राजस्थान में पीएम की जनसभा के बाद अब सबकी नजरें टिकट पर टिकी, जल्द आ सकती है 50 सीटों की लिस्ट। इटावा में 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले का हुआ शुभारंभ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में चुनावी साल में राज्य सरकार ने एक और तोहफा दे दिया है। कल विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश भर के सभी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, भारत पर्यटन कार्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जयपुर और गाइड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर जयपुर समेत प्रदेश भर के सभी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। स्मारकों पर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों का स्वागत सत्कार माला और तिलक लगाकर किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाया जाएगा, ताकि प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। डीग में राजस्थान पुलिस के जवान को दिल लगी, भारी पड़ गई। अश्लील फोटो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो केतवाड़ा थाना प्रभारी कमरुद्दीन खान की है। डीग पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी कमरुद्दीन खान के वायरल फोटो की पुष्टि की है। महिला के साथ रंगरेलियां मनाते फोटो वायरल होने के डीग पुलिस की जमकर किरकिरी होने लगी। मामले की जांच का जिम्मा पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने खुद संभाला। जानकारी के अनुसार कमरुद्दीन खान केतवाड़ा थाने में तैनात है। आरोप है कि उन्होंने दलाल के जरिए महिला को थाने के सरकारी क्वार्टर में बुलाया। क्वार्टर में आने के बाद केतवाड़ा थाना प्रभारी ने अंदर से दरवाजा बंद किया और महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करने लगी। महिला को शायद पहले से थानेदार की हरकत की भनक लग गई थी, इसलिए उसने अपने मोबाइल में थानेदार के करतूत को कैद कर लिया। महिला के मोबाइल से खींचा गया फोटो देखते देखते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। फोटो वायरल होने के बाद डीग पुलिस की जमकर फजीहत होने लगी। थानेदार का यह मामला कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह तक भी पहुंचा। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी की ओछी हरकत से महकमे की छवि खराब होती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अलका लांबा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है, इस देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी और उनके सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण आवश्यक है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर समर्थन करती। महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि केंद्र सरकार की माने तो भी 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव नहीं है। आर्टिकल 82 एवं आर्टिकल 81(3) से इस बिल को लिंक किया गया है, जिसके तहत 2026 में परिसीमन होगा, उसके बाद जनगणना पर इसका दारोमदार रहेगा। सरकार ये खुद स्वीकार कर रही है कि क्रियान्वयन 2029 से पहले नहीं होगा, तो संसद का विशेष सत्र बुलाना तामझाम वो साज सज्जा केवल वाहवाही लूटने के लिए की गई, किंतु देश की आधी आबादी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। केंद्र सरकार अविलंब 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सम्मिलित करते हुए महिला आरक्षण बिल लागू करे। रेखासो से जसको मीना जी से महिला सांसद है, 25 के 25 सांसद भाजपा के यहाँ से लोगों ने दिए हैं, आप मंत्री भी रही हैं 10 साल से, आपने एक बार भी अपनी सरकार अपने प्रधानमंत्री को नहीं कहा कि महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। इतनी ही देर लगनी थी। स्मृति ईरानी से लेकर चुनौती देते किसी ने आवाज उठाई तो मात्र सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हम लोग लिख लिख कर हर साल हर सत्र में देते रहे कि महिला आरक्षण बिल ले आइए, महिला आरक्षण बिल ले आइए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनमें से किसी ने आवाज नहीं उठाई। कहते हमने शौचालय दिए, आज पूरे हंगामे मोदी जी ने शौचालय दिया। क्या मोदी जी ने सुरक्षा दी? सवाल यह है, मोदी जी ने सुरक्षा दी? कौन है ये हाथ में तिरंगा लिए सड़क पर? साक्षी मलिक, देश का ध्वज ऊंचा करने वाली, जब राष्ट्रगान गीत बज रहा था आंखों में आंसू थे, लेकिन आज सड़क पे साक्षी मलिक और हमारी फोगाट बहनें जो हैं, वो न्याय मांग रही थी। किससे? संसद में उस पहुंचे अपराधी से जिसका नाम ब्रजभूषण शरण है, भाजपा का सांसद है। बेटियां न्याय मांग रही हैं, न्याय नहीं मिलता है। महिला आरक्षण होगा तो क्या बदलेगा जो पूछते हैं?
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी इसी सप्ताह एक लिस्ट ए और डी कैटेगरी की आ सकती है। इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। दरअसल सभी को इंतजार था कि प्रधानमंत्री 25 सितंबर को दादिया से क्या संदेश दें। वहां से संदेश साफ दिया गया कि चुनाव कमल के फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा। ऐसे में अब खेमेबाजी और गुटबाजी कहीं से चलने वाली नहीं। जिसके नाम पर केंद्रीय नेतृत्व मुहर लगा देगी उसे मैदान में उतरना होगा। अब इसके लिए सब अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। जल्द ही 50 सीटों की लिस्ट जारी हो सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार खेमेबाजों को बड़ा नुकसान होगा। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक बीजेपी में कई खेमे बने हुए थे, लेकिन धीरे धीरे एक बात साफ होती चली जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ही सब कुछ है। किसे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर भी वहां से तय हो रहा है। ऐसे में खेमे में बटे लोगों को नुकसान होता दिख रहा है। उनके टिकट पर रोक लग सकती है और बिना खेमे वालों को फायदा हो सकता है। इसलिए यहां पर एक नई सुगबुगाहट दिख रही है। लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, अपने पोस्टर और बैनर से पीएम मोदी की तस्वीर और कमल के फूल को ही लगा रहे हैं। इस बार बीजेपी में अनजान चेहरों पर कोई दाव नहीं लगने वाला है। पीएम के जाते ही टिकट पर चर्चा तेज हो गई। अमूमन यही होता रहा है कि जब यहां से प्रधानमंत्री जाते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व कोई ना कोई लिस्ट जारी कर देती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। अब उसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। श्री अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति इटावा द्वारा हर साल निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा की तैयारियां कस्बे में जोरों पर चल रही है। समिति के अध्यक्ष विष्णु गोयल, व्यवस्थापक सतीश सोनी ने बताया कि इस बार विशाल शोभा यात्रा 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी को है। दोपहर 2 बजे से झरनिया बालाजी मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। इसको लेकर कस्बे में व्यापक तैयारियां चल रही है। बाजार को बंधनवार से भगवा में किया जा रहा है। शोभा यात्रा प्रभारी दीपक पारिता ने बताया कि जुलूस में 1 दर्जन से अधिक गणेश प्रतिमाएं, 2 दर्जन झांकियां, 1 दर्जन अखाड़े व कई घुड़सवार हाथों में ध्वज पताकाएं के साथ भगवान अनंत की विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। नगर में अखाड़ों में पट्टेबाज भी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जोरों से तैयारी कर रहे हैं। ज्ञात रहे कोटा जिले में कोटा शहर के बाद दूसरे नंबर पर इटावा में अनंत चतुर्दशी पर बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। पूरे इटावा क्षेत्र से भगवान अनंत की विदाई पर दर्शन करने और शोभा यात्रा देखने हजारों लोग उमड़ते हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। किसानों के आराध्य देव, आस्था और बलिदान के प्रतीक गोरक्षक वीर तेजाजी महाराज की तेजादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गांव शोभागपुरा ताखाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। आज हाड़ौती ही नहीं, पूरा राजस्थान में नाम है तेजादशमी पर ग्राम पंचायत शोभागपुरा में। तेजाजी महाराज का मेला का आयोजन 3 दिन के लिए किए गए तो वही मध्य रात्रि जागरण कार्यक्रम दशमी को भक्तों का उमड़ा जनसैलाब माना जाता है कि गांव में तेजादशमी पर श्रद्धालु लड्डू बाटी का भोग लगाते हैं।
तेजाजी महाराज के 400 भक्तों की काटी डसिया ग्राम पंचायत शोभागपुरा कमेटी सरपंच साहब के नेतृत्व में शानदार तैयारी की गई। सरपंच हरप्रीत सोड़ी, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश सुमन, देवकरण गुर्जर, नरेश सुमन, राजा परविंदर सोड़ी, दीपेश सुमन, मुकेश गुर्जर, भीमराज मीणा, सोनू सरदार, सुरेंद्र सुमन सभी ग्राम पंचायत वासी उपस्थित रहे। रेलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट। सर्व समाज द्वारा भरत पारिता के हमले के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सर्व समाज द्वारा जारी धरने में पांचवें दिन भी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ये जारी रहा। जनहित का मुद्दा उठाने पर इटावा नगर में बाहर से बदमाशों को बुलाकर स्थानीय व्यक्ति पर प्राणघातक हमला करवाने वाले साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सभी ने आह्वान किया कि इटावा जैसे शांतिप्रिय नगर की इस प्रकार की घटना दोबारा न हो तथा संपूर्ण नगर इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से सुरक्षित रहे। हम सबको मिलकर इस लड़ाई को अंतिम परिणाम पहुंचाना होगा। हम सबके प्रयास रंग लाएंगे और अपराधी सलाखों के पीछे होगा। इस क्रम में आज तीसरे दिन पूर्व उप जिला प्रमुख मनोज शर्मा, पूर्व प्रधान व पीपलदा सरपंच मानवेंद्र सिंह हाडा, पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र आर्य, धीमेंद्र आर्य, बहादुर पारिता, महावीर गोचर, प्रेम सोनी, नंदलाल मीणा, कमल सक्सेना, महावीर जांगीर, भूपेंद्र वर्मा, दुर्गेश चौधरी, पूर्व सरपंच प्रेम प्रकाश सोन, भगवान दास पारिता, दीपक पारिता, सतीश सोनी, जितेंद्र नागर, कुलदीप मालवीय, चैनसुख मित्तल सहित कई नगरवासी भी उपस्थित थे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की। इटावा नगर पालिका के तत्वाधान में वीर तेजाजी स्टेडियम में आयोजित होने वाले वीर तेजाजी डोल 7 दिवसीय डोल मेले का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने ध्वजारोहण कर किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं तथा इन मेलों के आयोजनों से लोगों का आपसी मेलजोल बढ़ता है। इस अवसर पर ईओ नगर पालिका राजूलाल मीणा ने मेले का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान कई पार्षद व प्रतिनिधि मौजूद थे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रामदेव जयंती पर सामोद में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शाम को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने ग्रहण की पंगत प्रसादी तो वहीं गत रात्रि हुआ सत्संग कार्यक्रम। शोभा यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। पिछले लगभग 15 सालों से ये निकाली जाती रही है। सामोद में बाबा रामदेव जी की ये शोभा यात्रा कोविड कालखंड में नहीं निकली थी ये झांकी। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं तथा सभी वर्गों की भागीदारी महत्वपूर्ण रही। रेलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट। इटावा नगर व आयाना सहित क्षेत्र में तेजादशमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर इटावा आयाना के तेजाजी मैदान स्थित तेजाजी के थानक पर सुबह से ही लोगों ने पहुंचकर तेजाजी महाराज को दूध का भोग लगाकर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। दिन भर तेजाजी महाराज के दर्शनों व पूजा अर्चना के लिए लोगों का तांता लगा रहा। वहीं दिन भर तेजाजी के अलगोजे लीलन घोड़ी सोनी तेजा थे हो लीलन रा असवार मारा तेजाजी महाराज गूंजते रहे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में कल विश्व पर्यटन दिवस पर स्मारकों और संग्रहालयों में फ्री एंट्री। जयपुर में होगी हेरिटेज वॉक। महिला आरक्षण बिल पर अलका लांबा ने केंद्र को घेरा, कहा आधी आबादी खुद को ठगा सा महसूस करे। राजस्थान में पीएम की जनसभा के बाद अब सबकी नजरें टिकट पर टिकी, जल्द आ सकती है 50 सीटों की लिस्ट। इटावा में 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले का हुआ शुभारंभ। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।